हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर मैं वंदना शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सबका फैन नंबर वन के एक बड़े ही रॉकिंग से एपिसोड में। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो अक्सर अपने घर पर ही रहती हैं। इनके हैं दीवाने हजार और अपनी मासूम बातों से ये जीत लेती हैं सबका दिल। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, हम बात कर रहे हैं भाभी जी यानी शुभांगी अत्रे की। आज ही अंगूरी भाभी यानी के शुभांगी अत्रे का बर्थडे है और इसी खास मौके पर शुभांगी को मिला एक प्यारा सा सरप्राइज। आज ही के दिन वो मिलेंगी अपने फैन नंबर वन से। शुभांगी के फैन से मेरा नाम हर्षल सुनील पवार और मैं मुंबई SNTT से हूँ और मैं शुभांगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका मतलब शो आता था पहले कस्तूरी करके, लेकिन मुझे मतलब मैंने वो ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन भाभी जी घर पर है ये शो उनका जब से आया है तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम अक्षरा देवकर है और मैं पूना से हूँ। मैं भाभी जी घर पर ऐसे अंगूरी जी की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। मुझे उनका जो कैरेक्टर है, उनकी मासूमियत है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अपने फेवरेट स्टार से मिलने के लिए वैसे तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप लोगों को पापड़ तो नहीं बेलने पड़ेंगे पर पराठे बेलने पड़ेंगे। क्या 10 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पराठे बनाने हैं और वो भी उतनी सफाई से। आप दोनों में से जो भी ये टास्क पूरा कर पाएगा एकदम सफाई से वही बनेगा शुभांगी का फैन नंबर वन। शुभांगी से मिलने के लिए कुछ भी करेगा, इसी मंत्रा के साथ सबसे पहले टास्क की शुरुआत की अक्षदा ने। गोल की जगह बाकी सारे शेप में आ रहा है, फट गया। पहला पराठा टूट गया, सेकने का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो मतलब अच्छा मतलब कर लिया था मैंने। बराबर आया है, सबसे ज्यादा तो मतलब वो स्टफ करने में जरा आलू प्रॉब्लम हो रहा था और बेलने में, क्योंकि पहले कभी बनाया नहीं था। जहाँ अक्षदा ने शुभांगी के लिए ढेर सारा पसीना बहाया, वहीं अब उनके बाद बारी थी हर्षल की, जिन्होंने बड़े ही प्यार से शुभांगी के लिए पराठे बनाने शुरू किए। पहला पराठा, शुभांगी जी ये आपके लिए है मेरा
पहला पराठा। शिवांगी जी आपके लिए तो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। सारी जद्दोजहद के बाद हर्षल ने पराठे बनाने में कामयाबी पाई और बिल्कुल सही पराठे बनाकर वो शुभांगी की फैन नंबर वन बन गई और फिर क्या, चल पड़ी अपनी फेवरेट शुभांगी से मिलने। जैसे फैंस एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट स्टार से मिलने के, वैसे आज मैं भी एक्साइटेड हूँ मेरी फैन नंबर वन से मिलने के लिए। तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, अब देखते हैं कि वो आकर उनसे मिलने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो लेट्स वेलकम हर। हाउ स्वीट, व्हाट्स योर गुड नेम? हर्षल पवार। हर्षल पवार, प्लीज बैठिए हर्षल। ये क्या है? बनाया है। ओ वाओ, आलू के परोठे। वाओ, थैंक यू हर्षल, मुझे बहुत पसंद है पराठे। एक तो थैंक यू सो मच, मुझे खाने का बहुत शौक है और लंच टाइम में तुम आलू के पराठे लाई हो, मतलब थैंक यू सो मच, लव यू। और फिर ये आलू के पराठे कुकिंग का शौक है, आज ऐसी किया? नहीं, मतलब कुकिंग कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपके लिए बनाना था तो मतलब अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। थैंक यू सो मच तो इसलिए बनाया आपके लिए, क्या मालूम अच्छे बने हैं। नहीं, बहुत अच्छे बने हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार आपका, वो है ना उसमें, तो फिर बहुत शौक से खाऊंगी मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो। आपकी आंखें बहुत अच्छी है। थैंक यू डियर, आप भी बहुत सुंदर हो। मतलब आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है ना, मैंने सुनी थी वो कुकिंग करते करते वो थोड़ी थोड़ी आती है ना, गुनगुनाती रहती हूँ मैं, अजीब से गाने। नहीं, वो अच्छे लगते हैं। हाँ, आप बोलो ना थोड़ा दो लाइन। हमको लटके भैया से हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जी, ये बोलो तो हजिया मर जाए। वो आप जो बोलती है ना लड्डू के भैया, वो बहुत अच्छे टोन में बोलती है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो टोन ना मतलब ऐसी मुझे नहीं आती है। नहीं, बोलो अभी मेरे साथ। आप बोल के दिखाओ ना। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, आ सुनिए ना, आ सुनिए ना। सिख पकड़े हैं। इतना अच्छा तो बोल रही हो। नहीं, वो सही पकड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सही पकड़े हैं। चलो, इट्स लवली 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 मीटिंग यू हर्षल, थैंक यू सो मच फॉर आलू के पराठे, थैंक यू सो मच। हर्षल की तरह अगर आप भी फैन नंबर वन बनना चाहते हैं तो sbsfanclub@gmail.com पर लॉगिन कीजिए और बन जाइए फैन नंबर वन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।